Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So in today's video we're gonna see elif statements. So in our previous video we have seen conditional statements and we have covered all topics which comes under the conditional statements. So but many of you guys were having some complaints and you guys were having like problem while understanding elif statements. So we are back again with another video just for covering elif statements. So without further ado, let's get started. So yaar chalo shuru se shuru karte hain ki for example, okay, if you want like let's say x is equal to int input, okay, and here we'll give a string. Please. Oh, okay. Enter a number. Okay. Then, if x after dividing by 2 leaves remainder 0, then it will be considered as a even. Okay. अदरवाइज ऑड. यहां तक हम क्या करते थे यार, यहाँ एल्स लगाते थे कि अगर यहाँ टू से डिवाइड हो रहा है तो इवन है, नहीं हो रहा है तो ऑड है, ठीक है. बट वॉट इफ वी वॉन्ट, हाँ, इफ एक्स टू से डिविजिबल है और ये जीरो आ रहा है, ओके, then print, let me just copy paste it, okay, with indentation, ठीक है, ये हो गया. और यहां पे कर दूं else statement. else statement में क्या करेंगे यार, कि अगर इनमें से कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब divide नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा. मान लो तुम ये ना even है ना odd है, तो इसको हम क्या करेंगे, wrong. Oh sorry, wrong input. Okay, we have forgot to give a string. Let's run our code. Here it's asking for input. Let's give 4. Okay, तो यार यहाँ पे तुम देख रहे होगे why we use elif. अब तुम्हें यहाँ थोड़ा समझाऊंगा मैं, ठीक है. तो यार देखो यहाँ पे if तुमने एक बार किया, ये कंडीशन हो गई. अब ये कंडीशन हो गई, उसके बाद भी अगर तुम्हें इफ यूज करना है, हाँ, तो यहाँ पे तब भी ये चीज आ रही है, नीचे एक और इवन आ रहा है, मतलब ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट ब्लॉक ऑफ कोड है ये तब भी रन कर रहा है इवन दो ये तुम्हारा सही है, ठीक है. तो हमें दो बार तो नहीं प्रिंट कराना है ना यार, हमें एक ही बार प्रिंट कराना है. तो यहाँ पे हम सिंपल बस एक चीज कर सकते हैं, विच इज एल इफ. That's all. We don't have to do anything else. ठीक है. अब यहाँ पे इसका elif का मतलब क्या है, कि अगर ये block of code elif के ऊपर का if it is true, ठीक है, then इसके नीचे का कुछ भी नहीं चलेगा, okay? And if it is wrong, then elif चलेगा. And if elif is wrong, then the interpreter will go on else. Okay. So let's run it again and again we'll give input 4. See, now this time we are having only 1. Okay, now let's try at least and let's give here 1, okay, and here odd. Now let's run the code again and now this time let's give 5 and saying odd. Okay, that's the beauty. एंड यार अगर तुम्हें अभी भी तुम्हें शक लग रहा है मेरे ऊपर, ठीक है, तो यार तुम ऐसे यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये चीज सही अगर हो गई उसके बाद भी रन करता ये, ठीक है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ. इफ है, ठीक है, यहाँ पे ये चीजें हैं. लेट मी गिव इनपुट अगेन एज अ 4 क्योंकि ये स्टेटमेंट चाह रहा हूँ चले, ये स्टेटमेंट चले उसके बाद देखना भी तुम. ओ सॉरी, देख रहे हो यहाँ पे यार ये चीज रन किया, ठीक है,
उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ गया. सो दैट्स व्हाट वी डोंट वांट. ओके, क्योंकि यहाँ पे यार ये चला, ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे, फिर ये नीचे आया, फिर कंडीशन से देखिए रॉन्ग है, कोई बात नहीं, फिर ये नीचे चला गया एल्स पे. बट हमें क्या चाहिए कि यार अगर इफ सही है तो बस इफ पे ही रुक जाए इंटरप्रेटर, अगर नहीं सही है तब एल्स पे जाए, ठीक है. बट यहाँ पे अगर हम इफ कर दे रहे हैं तो हमारा जो इंटरप्रेटर वो दो बार रन कर जा रहा है. एंड दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो ये टाइम लेगा, ठीक है, इंटरप्रेटर रन टाइम ज़्यादा होगा, प्लस ये जो आउटपुट है ये सही नहीं, एक्यूरेट नहीं आ रहा है. सो अगेन विल गो फॉर एल एफ एंड विल गिव अगेन फोर एज इनपुट एंड हेयर वी कैन सी. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस थिंग एंड एल एफ तुम्हें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा यार कि वाई वी यूज एल एफ. ठीक है, इफ करोगे यार, अगर इफ तुम कई बार करोगे तो तुम्हें बार 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 एक ही चीज़, अगर तुम्हारी ऊपर का ब्लॉक ऑफ कोड सही है तब भी वो इंटरप्रेटर नीचे रन करेगा और सारे इफ को चेक करेगा. बट वहीं अगर तुम एल एफ यूज़ करते हो विच इज़ एल्स एंड इफ, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एल्स इफ, ठीक है, तो अगर तुमने एल एफ यूज़ किया है तो फिर एल एफ के ऊपर के जितने भी ब्लॉक ऑफ कोड है अगर वो सही हैं तो उसके बाद एलिफ के नीचे के रन नहीं करेंगे. ठीक है, आई होप यू गॉट इट क्लियरली. एंड यार अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो देन डू शेयर इट एंड डू हिट द लाइक बटन. एंड प्लीज़ कमेंट में बताओ हाउ यू लाइक दिस वीडियो एंड कैसी लगी तुम्हें. ठीक है, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, इट मोटिवेट्स अस. दैट्स ऑल, थैंक यू, सायोनारा.